जय हिंद, जय भारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और इसके बाद फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अब तक आपको ये जो चैप्टर था सिमेट्री का अच्छे से समझ आ चुका होगा, क्योंकि इसमें कुछ खास था नहीं पढ़ने जैसा, सिर्फ समझने की चीज़ थी। थोड़ा आपका इमेजिनेशन पावर अच्छा है तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो फाइंड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। यानी यहाँ पे कुछ शेप दी हुई हैं, उनमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करनी है, प्लस ये भी बताना है हाउ विल यू चेक योर आंसर। क्या आप अपना आंसर किस तरह से चेक करेंगी। तो जैसा कि ये शेप है ए, यहाँ हमें एक स्टार जैसा दिख रहा है। यदि यहाँ पर एक लाइन डालें तो ये दोनों बराबर पार्ट में हमको दिख रहे हैं, यानी यही इसकी क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन इसमें एक और लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती है। कौन सी? एक तो इस तरह से हो जाएगी, ये ठीक से नहीं बन रहा है। और एक यहाँ सेंटर से एकदम डालेंगे तो, और एक यहाँ से और एक यहाँ से, इसमें टोटल 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हमको मिल जाएंगी। ठीक है, अब क्या कि इन्होंने कहा था कि हाउ विल यू चेक योर आंसर, आप अपना आंसर कैसे चेक करेंगे। तो इसका एक आसान सा तरीका है, एक बटर पेपर लीजिए और ये इमेज है ना, उसको उस पर ट्रेस कर दीजिए और फिर इस पिक्चर को क्या करेंगे आप, काट लेंगे। ठीक है, इस पिक्चर को आप काट लेंगे तो क्या होगा, फिर इसको जो लाइन ऑफ सिमेट्री है जहाँ पे, वहाँ से इस पेपर को फोल्ड करेंगे, इधर की तरफ लेके आएंगे, फोल्ड करेंगे, और यदि ये इसके ऊपर बराबर इस तरह से ओवरलेप हो जाता है कि दोनों बराबर हो जाए एक दूसरे के ऊपर, तब तो ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन यदि आपने यहाँ से इसको फोल्ड किया बीच में से, और ये कोई कोना इधर निकल रहा है, कोई छोटा पड़ रहा है, तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आप यदि इस पिक्चर को सेंटर से जहाँ पे इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है वहाँ से, देखो बन नहीं रहा है ठीक से, हाथ से लिखना होता है ना तो दिखता नहीं है इसलिए, लेकिन ये सेंटर है, सेंटर पॉइंट से आप इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं और यहाँ से भी बना सकते हैं, प्लस यहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ यहाँ से जब पेपर को फोल्ड करोगे तो ये दोनों बराबर ही आएंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री सेंटर में होगी, इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और इसमें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से होगी और एक लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से होगी। देखो ये वाली जो लाइन ऑफ सिमेट्री है तो यहाँ दोनों को आप फोल्ड करोगे तो बराबर एक दूसरे पे ओवरलेप हो जाएंगे, और इस तरह से इस लाइन ऑफ सिमेट्री की मदद से, मतलब हेल्प से आप इसको फोल्ड करोगे तब भी एक स्क्वायर दूसरे स्क्वायर के ऊपर दूसरे स्क्वायर को कवर कर लेगा। ठीक है, तो इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री 2 मिल रही है, फर्स्ट में 4 थी, सेकंड में 1 थी और थर्ड में 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें भी हमको 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएंगी, और तरीका वही है चेक करने का कि आप एक कागज़ दीजिए, इस शेप को ड्रॉ करके और उस पेपर को उसी शेप में काट लीजिए और फिर उसको फोल्ड करके देखिए, यदि फोल्ड हो रहा है अच्छे से, मतलब फोल्ड तो होगा लेकिन एक दूसरे को कवर कर रहा है, दैट मीन्स ये लाइन ऑफ सिमेट्री सही है। और इस शेप में लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ होगी, एक यहाँ पे नहीं होगी, बीच में दूसरी वाली नहीं हो पाएगी इसमें, लेकिन इसमें 2 हो जाएंगी, एक ऐसे भी हो जाएगी, एक ऐसे भी हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू फॉलो कॉपी द फॉलोइंग ड्राइंग ऑन स्क्वायर पेपर। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये यहाँ पे जो कुछ ड्राइंग दी हैं उनको आपको क्या करना है, कॉपी करना है, किस पे, स्क्वायर पेपर पे। स्क्वायर पेपर यानी कि जो बचपन में हम मैथ की नोटबुक बनाते थे ना खाने वाली, आप उस नोटबुक को ले सकते हैं या उसके कुछ पेज ले सकते हैं, ये ज़्यादा पिक्चर तो है नहीं, थोड़ी सी बनानी है, और फिर उसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से डाल दीजिए, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और फिर यहाँ ये पिक्चर दी है तो इसको लाइन ऑफ सिमेट्री यदि हम मान रहे हैं तो यहाँ पे इसका इमेज जो बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, फिर यदि इसको लाइन ऑफ सिमेट्री मानेंगे तो यहाँ जो इमेज बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, इसके थ्रू ऐसे और इसके थ्रू ऐसे। ठीक है, तो एक स्क्वायर मिल जाएगा हमको। फिर दूसरा फिगर 2 है, इसमें देखिए आप जो स्क्वायर है, स्क्वायर की मदद इसीलिए हमने ली है, स्क्वायर से क्या होता है कि मान लो लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये है हमारे पास और ये एक स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर है फर्स्ट वाला, उसमें ये कैसा है, तिरछा है,
फिर सीधा है, फिर सीधा है, फिर से तिरछा है। तो इसी तरह से जब हम लाइन ऑफ सिमेट्री की मदद से दूसरी तरफ बनाएंगे ना, तो जो फर्स्ट स्क्वायर है उसमें तिरछा बनाएंगे, दूसरे स्क्वायर में सीधा बनाएंगे, फिर सीधा बनाएंगे, फिर तिरछा बना देंगे, ठीक है। सॉरी, अंदर की तरफ नहीं है, बाहर की तरफ है, ठीक है। जैसे ये इधर जाएगा, हाथ से बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, फिर ये थोड़ा बाहर जाएगा, फिर नीचे आएगा और फिर इस तरह से बाहर की तरफ जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि मिरर इमेज में क्या होता है, हम यदि शीशे में खड़े होकर खुद को देखते हैं तो जब शीशे के पास जाते हैं तो हमारी जो तस्वीर उसमें दिखती है वो भी पास आती है। उसी तरह से इसमें भी क्या होता है, मान लो यहाँ पे ये है एक स्क्वायर के अंदर, ये स्क्वायर के अंदर की तरफ है तो ये बाहर की तरफ जाएगा, फिर ये बाहर की तरफ है तो यहाँ ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है, और फिर ये बाहर की तरफ है ना तो ऐसे बाहर की तरफ ही जाएगा, मतलब दूर ही जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से इसमें भी होगा, पहले ऐसे जाएगा, थोड़ा आप इसको खुद से करके देखिए, इसमें बहुत छोटा हो पा रहा है, ठीक से बन नहीं पा रहा है, तो यहाँ जो कुछ इमेजें हैं उनको बना के दीजिए, आसान है, इसमें कुछ है नहीं खास करने लायक, ठीक है। आप प्रैक्टिकली आप जब अपने हाथ से करोगे ना तो समझ आएगा कि किस तरह से करना है। फिर नेक्स्ट है, हाउ डू यू गो अबाउट कम्प्लीटिंग द पिक्चर, यानी कि आप इसके लिए क्या करने वाले। तो इसके लिए भी आप बता ही दिया उन्होंने, स्क्वायर पेपर लेना है, उस पर ये जो खाने रहते हैं ना, इसमें स्क्वायर्स रहते हैं, उनको देख के कि किस कौन सा जो स्क्वायर है उसमें तिरछी लाइन है, कौन से में सीधी लाइन है, एक स्क्वायर के साथ है, दो के साथ है, किस तरह से है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन ईच फिगर अलॉन्ग साइड अ लेटर, तो यहाँ पे तो ये इस क्या कह रहे हैं कि यहाँ स्क्वायर पेपर पे या मिरर इमेज की बात कर रहे हैं, कि मिरर इमेज के इस साइड कोई लेटर बना के उन्होंने दिया है, आपको बताना है कि दूसरी साइड जो लेटर है वो किस तरह से बनेगा। तो लेटर ए है वो तो सेम ऐसा ही बनेगा, और लेटर बी है जो सॉरी लेटर बी है वो इस तरह से बनेगा, उल्टा बनेगा ना, क्योंकि मिरर इमेज में क्या होता है, सिर्फ यही अंतर रहता है, लेफ्ट वाली चीज़ राइट में दिखती है, राइट वाली लेफ्ट में दिखती है, बाकी मिरर इमेज और लाइन ऑफ सिमेट्री में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ कुछ लेटर दिए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा लेटर है जो सेम दिखेगा और कौन सा है जो नहीं दिखेगा। तो देखिए, ओ है वो सेम दिखेगा, अब बना के देखिए, ई है वो उल्टा बनेगा इसलिए ई नहीं दिखेगा, एम सेम दिखेगा, एन नहीं बन पाएगा, पी भी नहीं बन पाएगा, एच सेम दिखेगा, एल भी नहीं बन पाएगा, टी सेम दिखेगा, एस भी नहीं बन पाएगा, वी और यू एक्स ये भी सेम दिखेंगे, ठीक है। तो जो लेटर मैंने काटे हैं आप उनको बना के देखिए, खुद से देखिए कि वो लेटर सेम नहीं उल्टे बनेंगे, और जो करेक्ट हैं वो वैसे के तैसे बन जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, नया टॉपिक है रंगोली पैटर्न। तो किस तरह से रंगोली पैटर्न हम बनाते हैं, तो यहाँ कुछ रंगोली बना के भी दी हैं। तो ये कह रहे हैं कि कॉलम्स एंड रंगोलीज आर पॉपुलर इन आवर कंट्री, तो हमारी जो कंट्री है, हमारा देश है, उसमें रंगोली और कॉलम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अ फ्यू सैम्पल आर गिवन हियर, यहाँ पे कुछ सैम्पल भी इन्होंने दिए हैं। नोट द यूज़ ऑफ सिमेट्री इन देम, कलेक्ट एज मैनी पैटर्न्स एज पॉसिबल ऑफ दीज एंड प्रिपेयर एन एल्बम, तो आपको क्या करना है, जितने पैटर्न आप बना सकते हो उतने बनाइए और एक एल्बम तैयार कीजिए, जिसमें आप क्या करो इन पैटर्न को बना के रख सको, ताकि और इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि आप इतने सारे पैटर्न एक साथ बना लोगे ना, तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी बनाने की रंगोली तो आप फटाफट से बना सकते हो, अगर आपके दिमाग में कोई इमेज नहीं आ रही तब भी। तो इसमें आपको क्या करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री भी देखना है। तो यदि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री देखना चाहें तो एक तो ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, मतलब जो भी स्क्वायर वाली चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादातर मोस्टली चार ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। इनमें भी आपको चार लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएंगी, ठीक है। और जो हेक्सागन होते हैं उनमें छः हो जाती हैं, एक दो तीन चार पाँच और छः, ठीक है। तो इसमें सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएंगी। तो इस तरह से ये पिक्चर आप बना के देख सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, अभी रंगोली वगैरह बनाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कितना
अच्छे से बन जाती हैं और इनमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आती हैं। अब ये चैप्टर का चैप्टर में आखिर हमने अब तक क्या पढ़ा है वो बता रहे हैं। वॉट हैव वी डिस्कस्ड, यानी कह सकते हैं एक समरी टाइप। अ फिगर हैज़ लाइन सिमेट्री ऑफ अ लाइन कैन बी ड्रॉ डिवाइडिंग द फिगर इंटू टू आइडेंटिकल पार्ट, द लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सिमेट्री। यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? लाइन ऑफ सिमेट्री वो होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को बराबर दो भाग में बांट दे, या कहें आइडेंटिकल उसी की तरह। मानो आपको कोई सर्कल बनाना है और आपने हाफ सर्कल इधर बना दिया और हाफ इस इधर मिरर रख दिया तो उसमें अपने आप ही बन जाएगा, ठीक है। यानी कि वो आपकी पिक्चर पूरी हो जाएगी, ठीक है। अ फिगर मे हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री और ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, टू लाइन ऑफ सिमेट्री और मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये क्या कह रहे हैं कि कुछ फिगर ऐसे होते हैं जिनमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, कुछ में दो होती हैं, कुछ में तीन होती हैं, कुछ में एक ही होती है और कुछ में बहुत सारी होती हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिए हैं, जैसे नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, जैसे नो लाइन ऑफ सिमेट्री, जो हमारा स्केलन ट्राइंगल होता है। स्केलन ट्राइंगल, ट्राइंगल हमने तीन तरह के पढ़े थे ना, स्केलन, आइसोसेलस और इक्विलेटरल, ठीक है। तो जो स्केलन ट्राइंगल होता है उसकी क्या होती है, तीनों साइड इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है। तीनों साइड मतलब जैसे ये दो है तो ये चार होगी, ये छः होगी, मतलब तीनों साइड कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो इस तरह का जो ट्रायंगल होता है उसको स्केलन ट्रायंगल कहते हैं और इसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। दूसरा हमारा आ जाता है ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये आइसोसेलस ट्रायंगल होता है। आइसोसेलस ट्रायंगल यानी कि जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। दो साइड ऐसे इक्वल होंगी और एक साइड बड़ी होगी, ये दोनों दो दो सेंटीमीटर की होंगी और ये तीन की होगी, तो इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती है आपकी, ठीक है। फिर है टू लाइन ऑफ सिमेट्री, तो टू लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है रेक्टेंगल में, ठीक है। मान लो ये बॉक्स ही इन्होंने ऐसे करके दिया है, ठीक है, इसको ही हम ले लें। इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल होता है। फिर थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री, तो थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी जिसकी तीनों साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है उसमें एक यहाँ पर आ जाती है, एक यहाँ पर आ जाती है और एक यहाँ पर आ जाती है, थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें आ जाती है, ठीक है। द लाइन सिमेट्री इज क्लोजली रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन, व्हेन डीलिंग विद मिरर रिफ्लेक्शन वी हैव टू टेक इन अकाउंट द लेफ्ट राइट चेंज इन ऑरिएंटेशन। तो यही मैंने कहा था कि जो मिरर इमेज होती है उसमें सिर्फ लेफ्ट और राइट चेंज होता है, हो जाता है, ठीक है। तो सिमेट्री हेल्प प्लेंटी ऑफ एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ, इन आर्ट, आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन, कार्टून्स, सॉरी क्रिएशन, ज्योमेट्रिकल रीजनिंग और कॉलम और रंगोली इत्यादि, इन सारी चीज़ों में क्या होता है, हम डेली लाइन ऑफ सिमेट्री का यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। अगला चैप्टर है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, इसको करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू। तब तक आप इसको करके देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था हमारा जो ख़त्म हो गया 13। करिए, इसमें लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है लगेगा जैसे कोई ड्राइंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।